हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज हम लोग SSO का OPPCL SSO का चालू करने जा रहे हैं, तो आप लोग इससे जुड़ जाइए, भारी भारी संख्या में जुड़ जाइए और दोस्तों को शेयर करिए। तो देखिए, आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रतिरोध को देखिए, आर से हम लोग दिखाते हैं इसका क्या काम होता है। यदि किसी पदार्थ में ये मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, करंट का अपोज करता है, क्या करता है, विरोध करता है, धारा का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि जब किसी पदार्थ में इसका गुण ही रहता है कि मतलब कि धारा का क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करे, धारा का यानी कि विरोध करता है ना। ये जो मतलब किसी पदार्थ में यदि धारा फ्लो कराएंगे तो इसका काम ये ज़्यादा, यदि ज़्यादा रहेगा तो उतना ही धारा उसमें से क्या होगा, कम फ्लो करेगा। यानी कि अगर प्रतिरोध का मान जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही धारा का मान क्या इसमें से फ्लो कम होगी, यानी कि बहेगी कम। तो ये इसका काम होता है, इसका गुण यह होता है कि मतलब कि यदि किसी पदार्थ में अगर धारा हम लोग फ्लो कराते हैं, मतलब उसमें प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या करता है, उसका विरोध करता है, यानी कि कांटा की तरह काम करता है, उसको जाने नहीं देता है इसमें से। तो देखिए, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, तो ओम होता है, कभी कभी सिंबल भी दे देता है, तो यानी कि ऐसे रहेगा। तो इसको देखिए ओम से दिखाते हैं, ऐसे बनाकर इसको ओम कहते हैं। तो देखिए, हम लोग का मतलब कि अगर देखिए मेटल यानी कि धातु और एसिड देखिए धातु और एसिड यानी कि अम्ल और साल्ट सॉल्यूशन यानी कि लवण विलयन, मतलब कि ये क्या होता है कि विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। बहुत बार पूछता है कि इसमें से कौन सा है जो विद्युत का ऐसा सुचालक होता है, तो धातु, अम्ल और लवण विलयन, यानी कि इसको ये सब होते हैं जो विद्युत के ऐसे सुचालक होते हैं। और इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, धातुओं में किसके कारण मतलब कि धारा प्रवाहित होती है, तो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से। धातुओं में किसके कारण धारा प्रवाहित होती है, तो बस इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अर्धचालक में, तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके कारण होता है, उसमें प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के कारण होते हैं। होल मतलब छिद्र, जो उसको कहते हैं हिंदी में कोटर, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण इसमें क्या होता है, अर्धचालक में धारा का फ्लो होता है, यानी कि प्रवाहित होती है, दोनों की वजह से बहती है इसमें। और इलेक्ट्रोलाइट में देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस यानी कि धनात्मक आयंस होते हैं ना, धनात्मक आयंस और निगेटिव आयंस दोनों के कारण क्या होता है, इसमें धारा का फ्लो होता है। और गैस में बहुत बार पूछता है ये सब, तो गैस में किसके किसके कारण होता है, तो पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों से इसमें धारा फ्लो होती है गैसों में। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछता है कि धातु, अम्ल और लवण विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सबसे अच्छे सुचालक होते हैं, और धातु में बस केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा प्रवाहित होती है, और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण धारा प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, और गैस में पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन तीनों के कारण क्या होती है, धारा फ्लो होती है। तो आप लोग नोट बनाते भी चलिएगा। देखिए, तब इसमें बहुत बार पूछता है कि
प्रतिरोध का नियम में कि मतलब कि ये प्रतिरोध जो होता है किसका किस पर निर्भर करता है, तो यानी कि ये किसी कंडक्टर के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। उसी तरह इसमें और होता है कि क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत बार पूछता है कि यदि हम लोग क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, घटेगा। यदि इसका घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। और इसमें और भी पूछता है कि ये क्या होता है कि पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, किस पर, तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और चौथ की बात कि ये ताप पर भी निर्भर करता है, किस पर, ताप पर भी निर्भर करता है। ताप घटाए बढ़ाएंगे तो इसका भी मान घटे बढ़ेगा। और देखिए इसका जब इन दोनों को शामिल करते हैं तो आर अनुक्रमानुपाती यल अपान क्या लिख सकते हैं, यल। और इसको हटाते हैं अनुक्रमानुपाती तो इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, रो बटा में ए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो रो। इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका और नाम होता है या कहके प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो इसको देखिए इसका मात्रक होता है, हम लोग रो का मात्रक निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। तो बताए थे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ओम रो आयल लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर बटा में क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा तो एक मीटर बचेगा ना, तो यानी कि मीटर का ओम में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। यानी कि ये रो का मात्रक हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो देखिए कंडक्टेंस यानी कि चालकता, चालकता को हमेशा किससे दिखाते हैं, तो कैपिटल जी से, तो कैपिटल जी बराबर वन अपान आर होता है। क्या होता है, वन अपान आर। बहुत बार पूछता है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और ये भी कभी कभी पूछ देता है कि जी इसके बटा में एक कर लेंगे तो गुणा कर देंगे तो क्या होगा, जी इंटू ए आर हो जाएगा ना, यानी कि एक हो जाएगा ना। तो इसका मान पूछता है कि जी इंटू आर, चालकता और प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो एक इकाई के बराबर, यानी कि इकाई के बराबर होता है। तो अगर यदि हम लोग जी का मात्रक निकालेंगे तो वन अपान आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक बताए थे ना, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो यानी कि एक बटा में ओम भी दे सकता है, या इसको क्या कह सकते हैं, प्रति ओम भी लिख सकते हैं, या इसका और क्या मात्रक हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेमेंस, ये भी मात्रक हो सकता है, या तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ये भी हो सकता है, या इसको एक शब्द में क्या इसको कहते हैं, महो, ये भी मात्रक हो सकता है। अब महो का सिंबल उल्टा ऐसे बना देंगे ओम को, तो यानी कि इतना मात्रक होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछता है कि जी वाला, देखिए जी है ना तो चालकता है, चालकता का मात्रक क्या होता है, तो वो एक बटा में ओम, या प्रति ओम, या सेमेंस, या ओम इनवर्स, या महो। और ये पूछता है परिभाषा के अनुसार कि चालकता किसे किसके बराबर होती है, कह देगा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो ये चालकता कहते हैं। तो इतना ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध बताए थे ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किससे दिखाते हैं हम लोग, रो से। इसको क्या पढ़ते हैं, रो। तो यानी कि क्या आया था हम लोग का, आर बराबर रो एल बटा में ए ना, तो यानी कि रो का जब मान निकालेंगे तो बटा में वन कर देंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो रो एल बटा बराबर कितना होगा, आर ए, तो यानी कि रो बराबर कितना हो जाएगा, आर ए बटा में यल। ये भी कभी कभी पूछता है और इसका मात्रक भी पूछ देता है, तो यानी कि ओम इंटू मीटर बताए थे, तो ये भी मात्रक हो सकता है। इसको बटा में लेके चले जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर। देखिए तो रो बराबर यानी कि मीटर
बटा के एक बटा के ओम लिख सकते हैं ना, तो ए भी हो सकता है ना। तो यानी कि रो बराबर मीटर बटा में इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो बताए थे कि महो भी लिख सकते हैं, यानी कि महो। ये भी पूछ देता है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो यानी कि मीटर प्रति महो या सेमेंस, ये भी पूछ देता है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो ये बस पदार्थ की प्रकृति, विशिष्ट प्रतिरोध किसके पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति और किस पर निर्भर करता है, केवल ताप पर। यदि पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है, और ये भी ध्यान दीजिएगा पूछता है कि यदि क्षेत्रफल या लंबाई किसी को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। यदि हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम क्षेत्रफल और लंबाई, क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं, लंबाई को देखिए, यदि हम लोग क्या इसका देखिए क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। बहुत बार पूछता है कि यदि हम लोग क्षेत्रफल लंबाई को बढ़ाएं या घटाएं तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ध्यान दीजिएगा बहुत बार पूछता है ये भी, विशिष्ट प्रतिरोध या इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता या चालकत्व, इसको दिखाते हैं सिग्मा से। किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, इस सिग्मा से दिखाते हैं। ये सिग्मा जो होता है इसको पढ़ते हैं हम लोग सिग्मा, तो सिग्मा बराबर वन अपान क्या होता है, रो। रो को बताए थे कि प्रतिरोधकता या क्या कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि ये सिग्मा जो है विशिष्ट चालकता या क्या कह सकते हैं, चालकत्व। तो इसको देखिए ये भी पूछता है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो उसमें दे देता है परिभाषा के रूप में, ये किसके बराबर है चाहे कुछ भी बना देगा, तो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बताए थे कि एक बटा के ओम इंटू मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का आया था मात्रक ना, तो यानी कि इसको एक बटा के ओम को क्या लिख सकते हैं, बताए थे कि महो भी लिख सकते हैं, महो प्रति क्या हो जाएगा मीटर, ये भी मात्रक हो सकता है, या सेमेंस बताए थे कि इसके स्थान पर सेमेंस भी लिख सकते हैं, यानी सेमेंस प्रति मीटर, ये भी मात्रक हो सकता है, और क्या हो सकता है, दोनों के ऊपर लेके चल सकते हैं, यानी कि ओम पर माइनस एक इंटू मीटर पर माइनस एक, यानी कि देखिए कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये भी पूछता है। तो यानी कि ये भी देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है कि विशिष्ट चालकता है, जो विशिष्ट चालकता ये भी पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। देखिए जिस ये भी ये क्या करता है कि धारा जो आसानी, यदि हम लोग का विशिष्ट प्रतिरोध का जितना ही अधिक मान रहेगा उतना ही धारा आसानी से क्या होगी, उस पदार्थ में प्रवाहित होगी। यदि इसका मान कम रहेगा तो उसमें आसानी से धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो बताए थे ना कि सिग्मा बराबर वन अपान रो था ना, देखिए जैसे बताए थे कि आर बराबर कितना था, रोयल बटा में ए, तो हम लोग फार्मूला से ही फार्मूला बना सकते हैं, यानी कि R बराबर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखिए रो बराबर जब मान निकालेंगे तो वन अपान सिग्मा हो जाएगा, यानी कि रो के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, वन अपान सिग्मा यल बटा में ए। ये भी ध्यान दीजिएगा कि विशिष्ट चालकता होता है जो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, आप लोग लिखते भी जाइएगा। और देखिए ये लंबाई है, ये क्या है यल से लंबाई, ये क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक बताए थे मीटर स्क्वायर, अब ये क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या बताए थे ओम होता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है, जिस पदार्थ में बताए थे अभी बताएं कि जिस पदार्थ में क्या होगा कि चालकता है, विशिष्ट चालकता का मान जितना ही अधिक होगा उसमें उतना ही धारा का मान आसानी से प्रवाहित होगा, यानी कि चालकता जी का भी मान अधिक होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि ये भी फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं लगाते समय, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को
पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, SSO का बैच चालू हो गया है।